रेसलिंग में परफॉर्म करे जाने वाले 10 मोस्ट डेडली रेसलिंग मूव्स जो कि WWE में हमेशा ही बैंड रहेंगे। आखिर कौन से ये मूव्स हैं और क्यों ये इतने डेडली है जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इसे एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी टॉप 10 सीरीज की नई वीडियो में। और ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि हम रेसलिंग मूव्स के बारे में बात करने वाले हैं और ऐसे मूव्स जो कि WWE हमेशा बैन करके रखने वाली है और कभी यूज नहीं करने देगी अपने सुपरस्टार्स को क्योंकि ये इतने रिस्की हैं कि सुपरस्टार की जान भी जा सकती है। तो गाइज अपनी लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगा फटाफट से वीडियो पर लाइक कर दे, जो हमारा गोल है वो है 2000 लाइक्स का और फटाफट से आपको इसको स्मैश कर देना है। और अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं चेकआउट करी है, टॉप 10 सीरीज काफी कमाल की है, उसमें 100 से भी ज्यादा वीडियोस हैं, आप डेफिनेटली जाके चेकआउट करें, आपकी मन पसंदीदा लिस्ट आपको देखने को मिलेंगी। नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है मसल बस्टर मूव का। अब ये मूव समोआ जो का फिनिशर है और वो WWE में आने से पहले ही इसको बहुत ज्यादा यूज करते थे और NXT के अंदर भी उन्होंने इसको यूज करा, लेकिन गाइस इस मूव को तब बंद कर दिया गया, WWE के अंदर बैन कर दिया गया जब समोआ जो ने इस मूव को टाइसन किड के ऊपर लगाया और टाइसन किड का वहां से करियर खत्म हो गया। उनको एक सीवियर स्पाइनल इंजरी हुई थी जिसकी वजह से वो आज तक रेसलिंग नहीं कर पा रहे हैं। और ये मूव इसलिए इतना ज्यादा खतरनाक है गाइस क्योंकि जैसे समोआ जो जब किसी पे परफॉर्म करते हैं तो उनका जो अपोनेंट है उसको बिल्कुल अपने कंधे के ऊपर रैप कर लेते हैं और जब वो अपने अपोनेंट को ड्रॉप करते हैं तो उस अपोनेंट की नेक के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि अगर कुछ भी इधर उधर हो गया या फिर ज्यादा प्रेशर जितना डलना चाहिए उससे ज्यादा हो गया तो बिल्कुल जो है खतरनाक वाली इंजरी हो सकती है। और बिल्कुल वैसा ही टाइसन किड के केस में हुआ और ऑब्वियसली ये समोआ जो ने भी अपना फिनिशर यूज करना बंद करा एज अ रिस्पेक्ट टू टाइसन किड और दूसरी तरफ से प्रिकॉशन थी और WWE इसको अब कभी भी यूज नहीं करती। नंबर 2 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहां पे मूव आता है हैंगमैन्स चोक होल्ड। अब आपने शायद पर्सनली इस मूव को WWE के अंदर ना देखा हो लेकिन इसको पहले काफी ज्यादा यूज करा जाता था। इनफैक्ट ये जायंट सुपरस्टार्स के साथ ज्यादा फेमिलियर था जैसे कि द ग्रेट खली और बिग डैडी वी, क्योंकि ये लोग अपने अपोनेंट को गर्दन से पकड़ के ऐसे हवा में टांग के रखते थे काफी देर तक। और ऑब्वियसली आप लोग फिगर आउट कर सकते हैं कि ये मूव क्यों डेंजरस माना जाता है। पहली बात तो भाई किसी को इतनी देर तक हवा में टांगने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक दिक्कत वाली बात है, और उसकी गर्दन पे भी प्रेशर पड़े वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन WWE ने इस मूव को गाइस बैन करा है किसी और रीजन की वजह से और वो है क्रिस बेनोआ और जो भी उनकी डेथ हुई थी उसकी वजह से। अब ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि बेनोआ ने अपनी फैमिली को मारा था और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और तब से लेके गाइस WWE जितने भी इस टाइप के मूव हैं जिसमें कोई सुपरस्टार अपने अपोनेंट को चोक करने की कोशिश करता है उस सभी को बैन करा गया है। और हमने थोड़ा सा इस टाइप के एक मूव का ग्लिम्प्स देखा था, यानी कि एक झलक देखी थी एट रेसलमेनिया 36 जब एज और रैंडी ऑर्टन का मैच हुआ था। लेकिन WWE इस टाइप के किसी भी मूव को सपोर्ट नहीं करते और इसके पीछे एक रीजन ये है कि वो बेनोआ और उनकी पूरी फैमिली को एक रिस्पेक्ट देना चाहते हैं और ऑब्वियसली दूसरी बात क्योंकि वो ट्रेजिक इंसिडेंट इतना ज्यादा पब्लिकली फेमिलियर है, लोग इतनी ज्यादा उसके बारे में बात करते हैं, आज भी उस स्टोरी को डिस्कस करा जाए तो लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं और वो चीज़ WWE अपनी कंपनी से अब रिलेट नहीं करना चाहती और इसलिए इस टाइप का कोई भी मूव बैंड है। नंबर 3 मूव की हम बात करें गाइस, तो ये है चेयर शॉट टू द हेड। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑब्वियसली सारे सुपरस्टार्स परफॉर्म नहीं करना पसंद करते और हमें बहुत ही ज़्यादा रेयर रेसलिंग में देखने को मिलता है क्योंकि ये एक ऐसा रिस्क है जो कि दूसरे बंदे का जो चेयर शॉट लेता है उसका करियर बिल्कुल खत्म कर सकता है। और कॉन्ट्रोवर्शियली AEW कुछ समय पहले इस मूव को वापस लेकर आई थी जब शॉन स्पियर्स ने कोडी रोड्स के सर पे एक चेयर शॉट मारा था और पूरी रेसलिंग की दुनिया में उस चीज को बहुत ज्यादा नेगेटिवली लिया गया था इस वजह से क्योंकि हम फैंस तो देखते हैं इन रेसलर्स को कि वो हमें एंटरटेन करें, लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी नहीं चाहते कि ये लोग अपनी जान जो है वो दांव पे लगाएं और इस तरीके से चेयर शॉट्स ले सर पे। और हमने देखा था कि किस तरीके से कोडी को बहुत बुरी चोट लगी थी और उनको सीवियरली काफी समय तक जो है वो रेसलिंग से दूर रखा गया था और उनके सर के पीछे कई सारे स्टिचेस लगे थे। अब इस टाइप का मूव रिस्क करता है कि सुपरस्टार्स को हेड इंजरीज तो हो ही सकती हैं लेकिन ब्रेन डैमेज का भी चांस है और कोई रेसलिंग फैंस नहीं चाहेगा कि सुपरस्टार्स इस टाइप की दिक्कत में आए, तो ये काफी डेंजरस चीज है और WWE तो इससे काफी दूर ही रहती है। अगले मूव की हम बात करते हैं तो ये है गाइस डाइविंग हेडबट। अब मूव तो काफी दिखने में सिंपल लगता है कि सुपरस्टार टॉप रोप पे जाता है और वो अपना सर लेके सीधा कूदता है दूसरे सुपरस्टार के ऊपर, लेकिन WWE ने इसको अपनी कंपनी में काफी सालों से बैन करके रखा हुआ है क्योंकि कई सारे लॉ सूट्स उनके अगेंस्ट फाइल करे गए हैं और कई सारे सुपरस्टार्स को इससे इंजरी भी हुई है। और ये मूव फेमस करा गया था गाइस इनिशियली क्रिस बेनोआ की तरफ से और उनकी हेल्थ पे भी काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी क्योंकि वो ये मूव लगातार परफॉर्म करते थे
और बेसिकली अगर कोई सुपरस्टार अपना सर ऐसे ऊपर से लेके कूदता है और मार्जिन ऑफ एरर इतना कम होता है कि अगर वो इधर उधर हो गया, थोड़ा सही जगह लैंड नहीं करा, तो सीधा उसका सर जाके रिंग के अंदर लगता है, जो कि कोई भी ऑब्वियसली नहीं चाहता और ये बहुत सारी इंजरीज दे सकता है। रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने देखा है कि लार्स सलिवन और डैनियल ब्रायन जैसे सुपरस्टार्स ने इस मूव को यूज़ करने की कोशिश करी है, लेकिन WWE ने उनको उसी समय मना कर दिया था और ऐसे ही मूव्स की वजह से डैनियल ब्रायन को पहले रिटायर भी होना पड़ गया था। तो ये चीज़ बिल्कुल भी WWE अपने सुपरस्टार्स को मना करने के लिए, और इसीलिए लार्स सलिवन ने जब ये मेन रोस्टर पे पहली बार परफॉर्म करा तो उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया गया कि वो ये इसके बाद नहीं कर सकते। नंबर 5 मूव की हम बात करें गाइस, तो यहां पे नाम आता है एप्रन ब्रेन बस्टर का। अब जब भी हम रिंग एप्रन की बात करते हैं गाइस, तो रिस्क फैक्टर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और कमेंटेटर्स हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द रिंग इसको बोला जाता है और इसके पीछे डेफिनेटली सच्चाई है, क्योंकि जो पैडिंग होती है एप्रन पे वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ द रिंग, और अगर आप एप्रन पे कोई मूव करते हो तो बहुत बुरे तरीके से लगता है किसी भी सुपरस्टार को, और अगर ये मूव ब्रेन बस्टर हो तो भाई और भी ज़्यादा दिक्कतें इसके अंदर बढ़ जाती हैं, क्योंकि इस मूव को करने के लिए वो भी एप्रन के ऊपर एक लैंडिंग चाहिए और वो लैंडिंग इतनी ज़्यादा हार्ड होती है गाइज, जो कि अगर गलती से भी हो गई गलत तो बिल्कुल जो रीढ़ की हड्डी यानी कि हम कहते हैं स्पाइन, वो टूट सकता है और जो बंदा है वो पैरालाइज हो सकता है। और एप्रन ब्रेन बस्टर एक ऐसी चीज़ है जो कि AEW में हम कभी कभी देखते हैं, वो भी बहुत रेयर, लेकिन WWE इसको बिल्कुल मूव को यूज करने से मना करती है एंड दे हैव दिस मूव बैंड। नंबर 6 मूव की हम बात करते हैं गाइस, तो इसका नाम है बर्निंग हैमर और ये भी उन्हीं में से एक मूव है जिसका मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा कम है। ये फेमस करा गया था फ्रॉम द मोस्ट फेमस जैपनीज रेसलर केंटा कोबाशी और उन्होंने भी अपने करियर में टोटल ये केवल 7 बार यूज करा और वो इतने स्ट्रॉन्ग स्टाइल को फॉलो करते थे अपने रेसलिंग में, लेकिन उनको भी पता था ये मूव कितना ज्यादा रिस्की है। तो बेसिकली ये एक डेथ वैली ड्राइवर का इन्वर्टेड वर्जन है और ये जानलेवा मूव इसलिए माना जाता है क्योंकि जब जो भी अपोनेंट लैंड करता है इसके अंदर उसकी नेक और स्पाइन बहुत ज्यादा बड़ा प्रेशर लेती है और ये चीज बहुत डेंजरस हो सकती है अनलेस इनको बिल्कुल 100% अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करा जाए, जो कि करना बहुत मुश्किल भी रहता है और इस वजह से WWE ने इसको बैन कर रखा है। नंबर 7 मूव की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है द ओरिजिनल पाइल ड्राइवर। अब यहां पे मैं अंडरटेकर के टोमस्टोन पाइल ड्राइवर की बात नहीं कर रहा गाइस, लेकिन बहुत से सालों से WWE ने इस मूव को बैन कर रखा है और मेन रीजन उसके पीछे ये है क्योंकि उनके सबसे बड़े स्टार यानी कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की जो नेक है वो इसी मूव की वजह से खराब हुई थी। अब ऑब्वियसली जो अंडरटेकर का फिनिशर है वो अपने करियर में हमेशा यूज करते आ रहे हैं, लेकिन वो एक अलग मूव है गाइस, और जैसा कि आप अभी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये बिल्कुल काइंड ऑफ उल्टा है टोमस्टोन के लिए, क्योंकि सुपरस्टार जो है वो उल्टा पकड़ा होता है और इसके अंदर जो सुपरस्टार की नेक है या फिर उसका हेड है वो पहले टच होता है मैट पे और जो सुपरस्टार डिलीवर कर रहा होता है वो बाद में लैंड होता है, और इसकी वजह से मूव इतना डेंजरस है। जब लास्ट टाइम हमने शायद इसको WWE में देखा था तो वो था जॉन सीना और सीएम पंक के 2013 रॉ वाले मैच में, जब आउट ऑफ नोवेयर सीएम पंक ने इस मूव को जो है वो परफॉर्म करा था, लेकिन WWE वाले जो है बैक स्टेज बहुत ज्यादा खुंदक में थे कि उन्होंने ये चीज करी, बिकॉज दिस मूव इज एब्सोल्युटली बैंड। नंबर 8 मूव की हम बात करते हैं, तो ये है शूटिंग स्टार प्रेस। अब फिर से वन ऑफ दोस मूव्स जिसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा कम है और हमें ब्रॉक लेसनर से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने ये मूव ट्राई करा था भाई तो उनकी जो है वो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि इस मूव को जो सुपरस्टार परफॉर्म करता है उसको बहुत ज्यादा बड़ा रोटेशन लेना पड़ता है और अगर वो अपने अपोनेंट के बिल्कुल सही जगह पे लैंड नहीं करता, यानी कि अगर थोड़ा सा आगे लैंड कर जाता है या थोड़ा सा पीछे लैंड कर जाता है तो वो बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है गाइज, और इसके अंदर लैंडिंग इतनी ज्यादा परफेक्शन करनी जरूरत है कि अगर तुम ये मूव नहीं कर सकते तो तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी गलती हो गई तो भाई फिर तो जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और ये हाई रिस्क मूव कंसिडर करा जाता है और WWE में अभी भी बैंड है। नंबर 9 मूव की हम बात करते हैं गाइज, तो इसका नाम है द पॉइजन्ड फ्रैंकेनस्टाइनर या फिर जिसको अब मॉडर्न डे में बोला जाता है द पॉइजन राना। अभी ओरिजिनली बनाया गया था स्कॉट स्टाइनर से गाइज, जिसका नाम था फ्रैंकेनस्टाइनर मूव और ऑब्वियसली तभी स्टाइनर जो है वर्ड इस मूव के अंदर डाला जाता है, लेकिन जापान ने इसको पकड़ा और अपना स्ट्रॉन्ग स्टाइल इसके ऊपर लगाया और इसको रिवर्स कर दिया और उसका नाम रख दिया पॉइजन्ड फ्रैंकेनस्टाइनर। और ये बेसिकली गाइज हम हरिकेन राना एक मूव देखते हैं जो कि काफी बढ़िया लगता है दिखने के अंदर, आपने गेम्स के अंदर भी करा होगा, ये उसी मूव का बिल्कुल ऑपोजिट है या फिर हम कह सकते हैं इन्वर्टेड है और इसको हम कहते हैं पॉइजन राना।
अब ये मूव WWE के मेन रोस्टर पे हमें बहुत ही ज़्यादा रेयर देखने को मिलता है, लेकिन NXT और AEW में यूज़ किया जाता है। और बेली ने इसको ट्राई करा था परफॉर्म करने के लिए ऑन साशा बैंक्स एट NXT टेकओवर ब्रुकलिन, लेकिन वो इस चीज़ को सही से नहीं परफॉर्म कर पाई और साशा की जो लैंडिंग है वो यहाँ पे ख़राब हो गई थी और उसकी वजह से साशा की एक काफ़ी सीरियस इंजरी हो गई थी। और ये एक और रीज़न बना WWE के लिए कि आखिर उनको ये मूव क्यों नहीं परफॉर्म करना चाहिए, इट्स अ डेंजरस मूव्स और उससे वो दूर ही रहते हैं। और फाइनली गाइज नंबर 10 पे आती है दी ओरिजिनल पेडिग्री, जो कि ट्रिपल एच अपने बहुत पहले समय WWE में परफॉर्म करा करते थे। और ऑब्वियसली ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूव्स है रेसलिंग का, क्योंकि ट्रिपल एच ने ना ही सिर्फ इसको रिंग में करा है बल्कि रिंग के बाहर भी करा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी करा है, स्टील केज के ऊपर भी करा है, अलग अलग जगहों पर करा हुआ है। लेकिन जो इसका ओरिजिनल वर्जन था गाइज, वो नहीं जो ट्रिपल एच अब यूज़ करते हैं, सेथ यूज़ करते हैं, वो ओरिजिनल वर्जन जो था वो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रेसलिंग मूव्स था ऑफ ऑल टाइम। क्योंकि उसके अंदर बेसिकली क्या होता था गाइज कि ट्रिपल एच अपने अपोनेंट को इतने ऊपर लेके जाते थे कि जब वो वापस लैंड करता था तो सीधा उसका सर नीचे लगता था, और वो अपने अपोनेंट की जो आर्म्स हैं उसको भी इतने टाइटली पकड़ते थे कि उसके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहता था और लैंडिंग भी पूरी ट्रिपल एच को ही करवानी पड़ती थी। लेकिन अब वो उस होल्ड को थोड़ा सा लूज रखते हैं और इस तरीके से पेडिग्री परफॉर्म करते हैं कि उनकी नीज पहले लग जाएं और जो दूसरा सुपरस्टार है वो बाद में लैंड करे, तो काफ़ी ज़्यादा सेफ बनाया गया पेडिग्री को गाइज। और इसकी वजह से अब उसको यूज़ तो करा जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल पेडिग्री मूव है ट्रिपल एच का वो WWE में बहुत सालों से बैंड है और मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी वापस आएगा। तो गाइज ये थे 10 ऐसे डेडली मूव्स जो कि बिल्कुल जान ले सकते हैं अपोनेंट्स की और उन सुपरस्टार्स की भी कई जगह पे जो कि इसको परफॉर्म करते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न WWE ने इनको बैन करा है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसा कोई नाम मिस करा है तो डेफिनेटली आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं अलॉन्ग विद योर ओपिनियंस एंड आइडियाज फॉर मोर टॉप 10 वीडियोज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।